कहा जाता है कि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन ये दोस्त कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। बीते कुछ दिनों से पालतू कुत्तों के काटने के कई मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में कुछ दिनों पहले ही एक हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में एक लड़के को कुत्ते ने काटा था। अब गाजियाबाद से ही कुत्ते के काटने का एक नया मामला सामने आया है। गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 के पार्क में खेल रहे 10 साल के कुश त्यागी को पिटबुल ने बुरी तरह काटकर जख्मी कर दिया। इस हमले के बाद कुश की लगभग 2.5 घंटे तक सर्जरी चली, जिसमें उसे 150 टाके लगाए गए। वह 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। ये पूरा मामला 3 सितंबर का है। इस घटना की वीडियो वायरल होने पर गुरुवार को नगर निगम ने कुत्ते के मालिक ललित त्यागी पर 5,000 का जुर्माना लगा दिया। कुश के पिता सचिन त्यागी ने बताया कि 3 सितंबर को ललित की बेटी अपने कुत्ते को टहला रही थी, वह उससे छूटकर भाग गया और कुश पर हमला कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से कुत्ते से कुश को अलग किया। बता दें कि गाजियाबाद में कुत्ते के हमले का यह 7 दिन में 3रा मामला है। इसके अलावा नोएडा में भी कुत्ते के हमले का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें लिफ्ट में कुत्ते ने एक आदमी पर हमला कर दिया था। साथ ही सोशल मीडिया पर अब महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 28 अगस्त की है, जिसमें एक पालतू जर्मन शेफर्ड ने डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया था। देश में कुत्ते के हमले के बढ़ते मामले चिंताजनक है। एक डेटा में बताया गया है कि भारत में 2019 के बाद से 1.5 करोड़ से अधिक कुत्ते के काटने के मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के हैं। बार बार कुत्ते के काटने की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम भारतीय दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना कुत्ते पालने के लिए पर्याप्त रूप से ट्रेंड हैं? क्या कुत्तों को पालना अब केवल एक स्टाइल स्टेटमेंट बनकर रह गया है? लोग पहले से ही गली के कुत्तों से परेशान रहते हैं और अब उन्हें अपने पड़ोसियों के पालतू कुत्तों से भी बचकर रहना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे MGB डिजिटल इंडिया।